Assalamualaikum. Welcome to Usha Guru Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics and chapter name is matrices and determination. बच्चों इस चैप्टर के हम दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली लाजमी है कि पहले आपने दो लेक्चर्स वो जरूर देखे हो, जरूर पढ़े हो, जरूर समझे हो, जरूर प्रैक्टिस की हो तो ही हम इस लेक्चर को आगे समझ पाएंगे. क्या क्या पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में? डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, किस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, आपने किस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है मैट्रिसेस का. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं. कोफैक्टर्स और माइनर्स किसे कहते हैं. एडजॉइंट किस तरह से मालूम किया जाता है और उसकी कुछ एग्जाम्पल और सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी के जो सवाल आते हैं तो वो भी देखेंगे और एमसीक्यूज भी देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. Evaluate each of the following determinants. इन सबके determinants मालूम करने हैं. अब ये है तो matrices में, ठीक है ना. Determinant कैसे मालूम करते हैं, जरा तरीका देखिएगा. मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ जरा. बहुत आसान है, देखिए पहले का देखें. पहला दूसरा आपको एक नजर आ रहा होगा, 2x2 है. ये दोनों 3x3 है तो इनका डिफरेंट मेथड है, इनका मेथड डिफरेंट है. आपने क्या करना है, 2x2 तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यानी कि -5 को -4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है. देखिए किस तरह है, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 4 का कितना हो जाएगा बच्चों, 20. मिड में हमेशा माइनस की साइन आएगी और फिर ये जो 3 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 से. तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, आपके पास आंसर आ गया 20 माइनस माइनस प्लस का 9, रिजल्ट आ गया आपके पास 29. ये आपका डिटर्मिनेंट है, सिंपल. अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे का डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि 2x2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से. तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, मिड में हमेशा माइनस की साइन आएगी याद रखिएगा. और अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. तो 3 1 3, तो रिजल्ट क्या बन गया आपके पास, रिजल्ट आपके पास बन गया 12 3 हो जाएगा 9. कहानी क्लियर, सिंपल है. 2x2 का सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अब आ जाते हैं 3x3. ये किस तरीके से मालूम होगा, तीसरा. अच्छा, अब तीसरे को बड़ा गौर से देखना पड़ेगा. देखिए 3x3 का जो मैट्रिक्स है उसका तरीका ये कि आप पहले तो ऐसे लाइंस बना रहे ताकि आपको काम करना आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है. पहली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस. जरा देखिएगा, मैं पहली वैल्यू लिख रहा हूँ. क्या है पहली वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ प्लस में लिख रही थी, माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा. यानी कि पहली वैल्यू आपने एज इट इज लिखनी है और फिर आपके पास जो वैल्यूज बची हुई है वो लिखनी. दूसरी वैल्यू क्या लिखनी है आपको, दूसरी वैल्यू बेटा क्या लिखा हुआ, मैंने माइनस में लिखनी है तो आपने माइनस का 4 लिखा और आप कुछ वैल्यूज बची हुई लिखेंगे. क्या लिखेंगे अभी समझाता हूँ. तीसरी वैल्यू आपको प्लस में लिखनी है, माइनस में है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 5 और बाकी वैल्यूज अपनी जगह पे. मैंने क्या किया, मैंने शुरू की जो पहली रॉ थी उसकी 3 वैल्यूज यहाँ पर लिख दी. -3 इसमें लिखना था, ये -4 और ये -5. अब जब आपने -3 लिखा तो बेटा इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ दें. ये -3 लिखा तो इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ दें, 4 वैल्यूज बचेंगी आपके पास. कौन कौन सी, ये सारी. यानी कि -3, -5, 3 और 5. क्या कह रहा हूं मैं, जब -3 लिख रहे हैं तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 वैल्यूज लिखेंगे. अच्छा, जब 4 की बात हो रही है, अब सेकंड वाले की बात हो रही है, जब सेकंड वाले की बात हो रही है तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दें. कौन सी 4 वैल्यूज बचेंगी, देखिए ये रो छोड़नी है और इसी का कॉलम छोड़ना है. कौन सी वैल्यूज बची, 2 -5 और 1 5. 2 -5 1 और 5 लिख देते हैं. 2 -5 1 और 5. जब मैं थर्ड वाले की बात करूंगा तो इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास ये 4 वैल्यूज बचेंगी. कौन कौन सी, 2 -3 1 और 3. अब आपने क्या करना है, वो काम करना है जो ऊपर किया था. देखिए किस तरह से, -3 अपनी जगह पे, ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही ना. यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, -15. मिड में हमेशा माइनस आता है, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा
15 और ये ब्रैकेट बड़ा वाला बंद, सो भले स्क्वायर या कर्ली ब्रैकेट कर दीजिएगा बेहतर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 10 और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा, फिर तीसरा -5 अपनी जगह पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 6, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। अब रिजल्ट क्या बना, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए -3 अपनी जगह पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -15 +15, फिर क्या बचा हुआ है -4, 10 अपनी जगह पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, फिर क्या है हमारे पास -5 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 3। चलें चेक करते हैं क्या बन रहा है हमारे पास आंसर। -3 अपनी जगह पे, 15 से 15 कैंसिल, क्या बचेगा 0, -4 अपनी जगह पे, 10 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे 15, माइनस का 5 अपनी जगह पे, 6 + 3 कितने हो जाएंगे 9, तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा 3 0 0, 4 15 से कितना हो जाएगा बेटा, 4 15 से हो जाएगा 60 और 5 9 से कितना हो जाएगा 45, तो रिजल्ट फाइनल कितना बन गया आपके पास, -60 और -45 मिलके हो जाएगा माइनस का 105, ये आपका आंसर है। क्या बताया बेटा, 2 by 2 में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 by 3 में क्या करना है, एक दफा फिर देखें कैसे। आपने इस तरह से लाइंस बनानी है, प्लस माइनस प्लस, चौथे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, पहली वैल्यू लिखेंगे और आपके पास ये जो पहला मैंने 0 लिखा है, इसकी रॉ और कॉलम छोड़ के जो 4 वैल्यूज बच जाए ना वो लिखते हैं। कौन कौन सी बच गई, सी डी एक्स वाई, सी डी एक्स वाई, फिर दूसरी वैल्यू में किसमें लिखनी है, माइनस में लिखनी है। जब आपने ये वाली लिखी तो वही वाली बात कर, रॉ कॉलम किसकी छोड़ेंगे, अब ए की रॉ कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 0D0Y, 0D0Y इस तरह से। और लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस का बी है, जब मैं ये बी लिखूंगा तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, कौन कौन सी वैल्यूज बच गई, ये 4 यानी कि 0C0X। अब बड़ा आसान हो गया काम, अब सिंप्लीफाई करना है। मुझे पता है 0 से मैं इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, आई नो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सी वाई से एक्स डी से, लेकिन इस 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा ना यार। फिर माइनस का ए, यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को y से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को d से मल्टीप्लाई करें 0, b की जब बात करेंगे तो बेटा 0x से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 0c से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, b को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर बेसिकली आपके पास 0 आएगा। क्लियर है? अब जरा समझते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, क्या किसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इन 0, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट कैसा आए 0, इसका मतलब ये जो था ये वाला ये सिंगुलर मैट्रिक्स था, ऐसा ही है ना, क्योंकि इसका आंसर 0 आया था। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट हैज, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, जाहिर है जब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आंसर अगर 0 आता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स सॉरी। इसको क्लियर कर लेता हूं वापस से, अगर आप किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। बताना है कि कौन सा इसमें से सिंगुलर है, कौन सा नॉन सिंगुलर है। बहुत आसान है, पहले ए को सॉल्व करें। डिटरमिनेंट लिखते कैसे हैं बेटा, आप ए पे इस तरह से मॉड लगा देते हैं, ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है, लिखने का तरीका है, लाइन बनाते हैं ऐसे ही बताया ना मैंने आपको, प्लस माइनस प्लस। अच्छा थोड़ा सा ना अब एक स्मार्ट वर्क करते हैं, मुझे पता है जब मैं ये 0 लिखूंगा, चलो यार आपके लिए लिख देते हैं, पर अगले स्टेप में बता दूंगा, बस लाइए 0 लिखेंगे, जब ये 0 है तो इसकी रॉ कॉलम खत्म, ये 4 वैल्यूज लिखेंगे -2 1 2 और -1, फिर दूसरी वैल्यू किसमें लिखनी है बेटा, नेगेटिव में, तो माइनस का 2 क्या रो वैल्यूज बचेंगी, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो ये वैल्यूज बचेंगी ना, कौन कौन सी, 3 और 1, 3 और -1, फिर लास्ट वैल्यू आपके पास किसमें, प्लस में लिखनी होती है लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का 1, और वैल्यूज क्या बचेंगी, इसकी रो कॉलम छोड़ दोगे क्या बचेंगी, ये 3 -2 3 और 2। चलें सॉल्व करते हैं,
इस जीरो की वजह से ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, सब मैं इसलिए रुक गया, मैंने आपको एक स्टेप करा दूं, मैं समझाऊं कि मुझे पता है जब मैं जीरो लिखूंगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बना रहा है। तो अगर आप ये चीज ना भी लिखे ना तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अगला स्टेप उस पर जीरो ही हो जाना है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है, -2 है। कैसे लिखेंगे बेटा, रॉ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, -3 और ये 3 वनजा क्या हो जाएगा, 3। फिर -1 अपनी जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6 और 3 को -2 से करेंगे तो -6 आएगा। सही है, सॉल्व करते हैं, जीरो लिखने की तो जरूरत नहीं है बेटा। -3 -3 कितना हो जाएगा, -6। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या है, चलें लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस का 6। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा। -1 अपनी जगह 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 -12 कितना बनेगा आंसर, 0 ना। अगर 0 बना तो ये मैट्रिक्स कैसा है, ये है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, दूसरा चेक करें, कैसे निकालते हैं बेटा, बी का मॉड, बी पे डिटर्मिनेंट लगाते हैं, इस तरह से वैल्यूज लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस। जरा स्मार्ट वर्क करते हैं, पहली वैल्यू 0 है तो आप इसके साथ मैट्रिक्स लिखेंगे तो भी पूरे को क्या बना देगा, 0 ही बना देगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, -2, इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ा, क्या क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 3 1 3 1, लास्ट वैल्यू क्या बची है, -1, इसके साथ क्या बचेगा, रॉ कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 चीज है, यानी कि 3 -2 3 और 2। अब ये 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है, -2 कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, मिड में हमेशा माइनस आता है, 3 2 जा 6, 3 को -2 से करेंगे तो -6 आएगा, -2, 3 -3 कितना हो जाएगा, 0, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12। तो फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया -12। तो ये सिंगुलर तो नहीं हुआ ना, सिंगुलर होता तो आंसर 0 आता, अगर 0 नहीं आ रहा तो आप क्या लिख देंगे, दैट इज नॉन सिंगुलर। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से डिटरमिनेंट निकालना आपको आ गया है। अच्छा, अब ये एम और ए, एम कहते हैं माइनर को, एम स्टैंड्स फॉर माइनर और ए स्टैंड्स फॉर को फैक्टर्स। ठीक है, तो अब ये को फैक्टर्स और माइनस कैसे मालूम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसको समझने के लिए ना आपको पहले पता क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा, मैं आपको मैट्रिक्स बना के बताता हूँ। ये 3 बाय 3 है ना, देखिए पहली वैल्यू को कहते हैं A11, फिर कहा जाता है A12, फिर कहा जाता है A13, फिर 21, 22 और 23, फिर होता है हमारे पास 31, 32 और 33, ये बनता है बेसिकली ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 11 12, यानी कि पहले रॉ फिर कॉलम, ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम है, इसकी बात करें ये सेकंड रॉ सेकंड कॉलम है, ये कौन सा है, ये थर्ड रॉ है और फर्स्ट कॉलम है, तो 3 1। तो इस तरह से इसकी सीक्वेंस बनती है। अब माइनर का क्या मतलब होता है, ये M12, पहले तो देखिए M12 कहाँ लोकेट हो रहा है, 12 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो बेसिकली 12 की बात हो रही है, ये सेकेंड वैल्यू, यानी कि ये सेकेंड वैल्यू की बात कर रहा है M12 का मतलब। अब सेकेंड वैल्यू का क्या मतलब हुआ, आप कैसे मालूम करेंगे बेटा, M12 देखें, आप लिखेंगे ऐसे, आप लिखेंगे इसको छोड़ के जो 4 वैल्यूज बच गई है, जैसे हम अभी कर रहे थे ना, M12 को मैंने तो लोकेट कर लिया, कहाँ लोकेट हो रहा है M12, यहाँ पर। अब आपने इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देना, जो 4 वैल्यूज बच गई वो लिखते हैं, क्या क्या बचा, 1 1 1 और 2। तो बेटा क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से 1 को 1 से, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो रिजल्ट आपके पास आ गया, M12 का रिजल्ट आ गया आपके पास 1। सही, फिर क्या मालूम करना है, M22 ना, तो पहले तो आपको M22 को लोकेट करना पड़ेगा, M22 कहां पर आता है, 22 आ रहा है इस जगह पे, यानी कि बिल्कुल मिड में, तो मिड का मतलब तो ये वाली वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू का मतलब हो गया इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दें, देखिएगा इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ दें तो ये 4 वैल्यूज बच जाएंगी, कौन कौन सी, 2 1 1 2, क्या बनेगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4,
2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। तो बेटा आपके पास M22 का जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 3। सही। अब आ जाते हैं A22। अच्छा A22, 22 तो यही लोकेट करेगा, तो फिर ये M22 में और A22 में क्या डिफरेंस है? देखें, ये तो M तो अपनी जगह पे रहेगा, जो था 2 1 और 1 2, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ऐसे ही था ना भाई। A22 यहाँ लोकेट हो रहा है ना, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दिया, तो 2 1 2 तो अपनी जगह पे। एक कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में हमेशा क्या ऐड होता है? -1 की पावर रॉ प्लस कॉलम। और आसान कर ले अपनी बात को, 22 लिखा हुआ है ना, 2 प्लस 2 बेसिकली ये रॉ है और ये कॉलम है। लेकिन अगर आप इतनी डिटेल में नहीं भी जाना चाहते तो भाई ये 22 था ना, 2 प्लस 2 लिख दिया, हमेशा -1। माइनर में सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा और कोफैक्टर में डिटर्मिनेंट के साथ -1 की पावर रॉ प्लस कॉलम भी आएगी। अब आप इसको सॉल्व करें, -1 की पावर कितनी हो गई? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो बेटा आपको मालूम है पावर अगर इवन है तो इवन पावर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है, 4 में से 1 गए 3 बचे, 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपको A22 मिल गया। एक और बार समझते हैं, A21 मालूम करना है ना। अगर आपको A21 मालूम करना है तो पहले तो लोकेट करें कहां पर आएगा 21, ये ना, 21 का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ दें, इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ दें, तो क्या बचेगा? 1 1 -1 2, 1 1 -1 और 2, ये 4 वैल्यूज लिख दी। और क्या आता है? -1 की पावर 2 प्लस 1, 21 था ना, 2 प्लस 1। अब -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2 हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अच्छा, क्या ये इवन पावर है? नहीं, ऑड पावर है, ऑड पावर की वजह से माइनस खत्म नहीं होता, 2 अपनी जगह, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये बनेगा -1, 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। दैट इज कोफैक्टर एंड दैट इज माइनस। इसका एडजॉइन निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया, एडजॉइन निकालना है, दो चार चीजें इसमें है एक साथ ही एक ही लेक्चर में, तो उसको थोड़ा रिपीट जरूर कर लीजिएगा। एडजॉइन निकालने का तरीका बहुत आसान, बहुत आसान। पहले पोजीशन चेंज करें, फिर साइन चेंज करें। डिटरमिनेंट में क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना। एडजॉइंट में क्या करेंगे? 2 बाई 2 का है, पोजीशन चेंज करेंगे और साइन चेंज। देगा किस तरह से? आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें 7 1, और इन दोनों की साइन चेंज कर दें -4 -6। ये आ गया एडजॉइंट, खत्म कहानी। कैसे? पहले पोजीशन चेंज करनी है और फिर क्या करना है? साइन चेंज करना है। सेक्शन सी में किस तरह का सवाल आ सकता है? 3 बाई 3 का एडजॉइंट आ सकता है। 3 बाई 3 का एडजॉइंट इतना सीधा नहीं है। 2 बाई 2 का एडजॉइंट तो कैसे निकाला? पोजीशन चेंज की साइन चेंज कर दी। 3 बाई 3 का एडजॉइंट निकालने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा भाई। कैसे? 3 बाई 3 के एडजॉइंट के लिए पहले मैं आपकी आसानी के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, हमने थोड़ी देर पहले लिखा भी था। A11, A12, A30, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपने तमाम के तमाम कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। कोफैक्टर का तरीका भी बताया ना मैंने आपको, बिल्कुल इसी मेथड पे कोफैक्टर मालूम करने हैं। देखिए किस तरह से, दो तीन अगर आप सही से समझ लेंगे ना तो आगे के काम आसान हो जाएगा। पहले A11 मालूम करते हैं। कोफैक्टर में क्या करते हैं? हमेशा -1 की पावर आ जाती है, 11 है तो 1 प्लस 1, और 4 वैल्यूज कौन सी आएंगी? 11 कहाँ लोकेट हो रहा है? यहाँ ना, इसकी रॉ इसका कॉलम छोड़ दें, ये 4 वैल्यूज बच गई। कौन कौन सी? 0 -2, -4 और 1। कैसे सॉल्व करेंगे? -1 की पावर 1 और 1 मिलके हो जाएगी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा क्विकली करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सवाल है लेंथी। 0 1 जा कितना हो जाएगा बेटा? 0। -1 प्लस, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। क्या इवन पावर है? इवन पावर से माइनस साइन खत्म हो जाती है, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? 1, और ये बचेगा -8। तो A11 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -8। अब जैसे हमने A11 निकाला ना, वैसे 12 13 21 20, ये सारी 9 की 9 वैल्यूज निकालनी है। चलें एक और ट्राई करते हैं। A12,
A12 का क्या मतलब हो जाएगा? -1 की पावर 1 प्लस 2, चार वैल्यूज कौन सी आएंगी? जब मैं 12 की बात करूंगा तो 12 यहाँ लोकेट हो रहा है, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ा, चार वैल्यूज क्या बची है हमारे पास? -1, -2, 3 और 1। क्या बचेगा बेटा? -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 ना। अच्छा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, फॉर्मूले का माइनस आ गया। अच्छा अब क्या करते हो, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ये हो जाएगा माइनस का 6। जरा गौर से सुनिएगा, ऑलरेडी माइनस है, 3 को -2 से करोगे -6 आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, आंसर में भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब बनेगा क्या आपके पास? इसका मतलब आपके पास बनेगा, अच्छा क्यूब की वजह से, क्योंकि इवन पावर तो है नहीं, तो माइनस साइन तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो बच्चों A12 आपके पास आ जाएगा -5। सही, इसी मेथड पे हम क्या मालूम करेंगे? A13। कैसे सॉल्व होगा? तरीका समझ में आ चुका है, अब इसी मेथड को बार बार फॉलो करेंगे। 13 का मतलब हो गया 1 प्लस 3, चार वैल्यूज कौन सी लिखेंगे बेटा? 13 कहां पर है? लास्ट में ना, रॉ कॉलम छोड़ दें, -1, 0, 3 और -4। क्या बनेगा? -1 की पावर 4, -1 को -4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0, 3 जा 0। तो बेटा इवन पावर से माइनस खत्म हो जाती है, 4 अपनी जगह पे, बच्चों A13 जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, अब मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आना शुरू हो गई होगी, क्योंकि अब सेम चीजें चल रही है। अगला क्या करेंगे? A21। जब मैं 21 की बात करूंगा तो -1 की पावर क्या रखेंगे? 2 प्लस 1, चार वैल्यूज बताया जरा, 21 का लोकेट हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ रॉ कॉलम छोड़ना है, क्या चार वैल्यूज हैं? 2, -5, -4 और 1। क्या बनेगा बेटा? -1 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा बेटा, 2 1 2, फॉर्मूले का माइनस, -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20। अब इवन पावर तो है नहीं, तो माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, 2 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 18 बचेगा, तो रिजल्ट हमारे पास A21 का क्या आ जाएगा? -1 मल्टीप्लाई होगा -18 से, तो रिजल्ट आ जाएगा सिर्फ 18। इसी तरीके से हम करेंगे A22। बेटा क्या बनाऊं? -1 की पावर 2 प्लस 2, चार वैल्यूज बताएं कौन सी बनेंगी? चार वैल्यूज बनेंगी, 22 यहाँ लोकेट कर रहा है ना इस जगह पे, तो -3, -5 और 3 और 1। क्या बना बेटा? -1 की पावर 4, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा, फॉर्मूले का माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, ऑलरेडी यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा? +15। इवन पावर की वजह से माइनस खत्म, 15 -3 कितना हो जाएगा? 12। तो A22 का रिजल्ट आ जाएगा 12। फिर क्या करते हैं? A23, -1 की पावर 2 प्लस 3, चार वैल्यूज बताएं जरा, 23 23 ये है, यानी यहां लोकेट कर रहा है, इसकी रॉ कॉलम छोड़ा, तो -3, 2 और 3 और -4। तो -1 की पावर हो जाएगी 5। क्या बनेगा? -3 को -4 से करेंगे तो प्लस का 12, फॉर्मूले का माइनस अपनी जगह पे, 3 2 का क्या हो जाएगा बेटा? 6। इवन पावर तो है नहीं, तो माइनस तो रहेगा, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, A23 हमारे पास आ जाएगा -6, 3 रह गए और कौन कौन से। अब अगला करते हैं A31, कितना हो जाएगा? -1 की पावर 3 प्लस 1, चार वैल्यूज बताएं जरा कौन कौन सी होंगी? 31 रॉ कॉलम छोड़ा, ये रहा रॉ कॉलम छोड़ा, 2 -5 और फिर 0 के साथ -2। आई नो थोड़ा लेंथी सवाल है, तभी तो लॉन्ग में आएगा। -1 की पावर हो जाएगी बेटा 4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और जाहिर है 0, 5 जा 0, तो -1, 4 पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा 1, और यहाँ क्या बचा हुआ है? 4।
A31 जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 4। अगला क्या है, 32। A32 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 प्लस 2। चार वैल्यूज बताएं क्या आएंगी 32 का प्लॉट हो रहे हैं यहाँ पर। इस जगह पे रॉ कॉलम छोड़ा तो -3 -5 और -1 -2। -1 की पावर हो गई 5, बेटा -3 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 5 1 5, कितना बनेगा। इवन पावर नहीं है तो माइनस तो रहेगा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो A32 हमारे पास आ जाएगा -1। लास्ट क्या रह गया, फाइनली लास्ट वैल्यू A33, -1 की पावर 3 प्लस 3। चार वैल्यूज बताएं कौन कौन सी हैं, 3 प्लस 3 33, ये रहा लास्ट वैल्यूज। ये रॉ कॉलम छोड़ दिया, ये है 2 -5 0 और -2। अच्छा, -1 की पावर 6, 2 को -2 से करेंगे तो 4 0 5 0, तो बेटा रिजल्ट आएगा इवन पावर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। A33 हमारे पास क्या बन जाएगा, -4। मिल गई सारी वैल्यूज, चले इसको पुट कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ बी में। क्या था, A11, 11 की जगह आ जाएगा -8, फिर क्या आ जाएगा -5, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर हमारे पास है 12 -6, सॉरी 18 था ये, 18, ये हमारे पास था 12 और ये है हमारे पास -6, ये है -4, फिर क्या है -1, फिर है -4 और इस पे लगा हुआ है टी। टी का मतलब समझते हैं, पढ़ा चुका हूँ पहले, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, जो चीज रॉ में है उसको कॉलम में ले जाए, यानी कि -8 -5 और 4, फिर क्या हो जाएगा, अगली रो है 18 12, ये रो से कॉलम में चली जाएगी, 18 12 और -6, फिर क्या हो जाएगा -4 -1 और -4। तो ये आपका एडजॉइंट निकालने का तरीका है, बड़ा ही मासूम सा सवाल है, लॉजिक समझ में आ गई होगी। एक बार अगर आपको समझ आ गई ना, A11 निकालना आ गया तो उसी को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो लेंथी जरूर है लेकिन लॉजिक एक ही चल रही है, ये आपका रिजल्ट बनेगा। एक दफा फिर देख लीजिएगा इसको। सेक्शन बी में ये सवाल भी आ सकता है, कह रहे हैं एडजॉइंट, अच्छा जो जो कह रहे हैं जरा मालूम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा तो पहले तो मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2 3 -4 और -6, ये आपका ए हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अभी बताया था ये 2 बाई 2 है, इसका तो बड़ा आसान था। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, पोजिशन चेंज और साइन चेंज, ये 3 की जगह -3 हो जाएगा, ये -4 की जगह +4 हो जाएगा। अब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, याद है मल्टीप्लाई का तरीका, नहीं याद तो जरा लेक्चर नंबर 1 और 2 देख कर आए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 3 4 12। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -6, 3 2 +6। अब किसकी बारी, सेकेंड रो की बारी, -4 -6 से होगा तो 4 6 24, और -6 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा -24। फिर हमारे पास सेकेंड को सेकेंड से, यानी -4 को 3 से करेंगे तो 4 3 12, और -6 को 2 से करेंगे तो +12। क्या बना आंसर, आंसर तो बड़ा आसान, 12 -12 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर, क्या है राइट हैंड साइड, ए मॉड और आई। तो पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना आता है आपको, बता चुका हूं ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट अभी अभी हमने देखा, ए का डिटर्मिनेंट निकलता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। और ये आई का क्या मतलब होता है याद है, 1 0 0 1। अच्छा -12, ये बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
12 आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले लेक्चर में समझाया है। 12 से 12 कैंसिल, क्या बचेगा? जीरो। अब जीरो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। सबसे मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? जीरो को वन से मल्टीप्लाई भी करोगे, जीरो से भी करोगे, जीरो से भी करोगे और वन से भी करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। सवाल में लिखा था वेरीफाइड दैट, हमने लिख दिया वेरीफाइड। लास्ट क्वेश्चन, क्या है सवाल हमारे पास? कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो अगर ये सिंगुलर है तो। अगर सिंगुलर है तो इसका आंसर कैसा होगा? आज ही पढ़ा हमने, अगर सिंगुलर है तो इसका आंसर जीरो होना चाहिए। चले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 5 माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स प्लस वन से। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस आएगा और आंसर क्योंकि सिंगुलर है तो जीरो हो जाएगा। 5 4 बेटा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4x, माइनस ये हो जाएगा 2x और 2 1 2 इज इक्वल्स टू 0। 20 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 18, -4 -2x हो जाएगा माइनस का 6x इक्वल्स टू 0। मुझे x की वैल्यू चाहिए, -6x वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या करवा दें बच्चों? डिवाइड करवा देते हैं। तो 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। ये आप करेंगे क्योंकि सिंगुलर था, जैसे इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं? कह रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालें अगर ये इस तरह है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते ना क्या बनेगा? इसका डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा 5x और 2 1 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब एक्स को एक तरफ ले जाए, नंबर्स को एक तरफ ले जाए, क्या बन जाएगा? एक्स वहां जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये बचेगा 4x, -2 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 6। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ये आपका असाइनमेंट है, कोशिश करनी है इसकी एडजॉइंट निकालने की, तरीका हमने समझ लिया है। और जब आप निकालें तो रीचेक कर लीजिएगा, आपका आंसर ये आएगा। मैंने आपको मुश्किल वाला एडजॉइंट बता दिया, सवाल दिया इसमें 2 3 0 आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये आपके लिए आसान है, तो जरूर ट्राई करनी है, आंसर मैच करना है। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो एक दफा फिर से वीडियो देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और लाजमी है ये वीडियो देखने के बाद ही लेक्चर 4 पे आइएगा, वरना लेक्चर 4 आपके लिए यूजलेस होगा। सो होपफुली बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।